डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम संदीप कौर फ्रॉम जीएमएस दीदारपुरा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिक्स की इंग्लिश। टॉपिक है द कश्मीरी शॉल, चैप्टर नंबर 5। ये हमने बच्चों लेसन पूरा कंप्लीट किया, पढ़ के लेसन हमने पढ़ा। तो अब हम इसकी बुक वर्क करेंगे। तो बुक वर्क में सबसे पहले इन्होंने दिया है ग्लॉसरी। तो ग्लॉसरी में है पैराडाइज। पैराडाइज क्या हो गया? हेवन। एलिगेंस, एलिगेंस हो गया ग्रेस, अट्रैक्शन। फ्लीज, फ्लीज हो गया द वूली फर ऑफ ए शीप। लूम, ए स्पेशल फ्रेम फॉर वीविंग। फिर हो गया वॉप, द थ्रेड्स दैट गो अलोंग द लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ और ए लूम एंड क्रॉस्ड बाय वेफ्ट। वेफ्ट क्या हो गया? द थ्रेड्स कैरिड बाय द शटल बैग एंड फोर्थ अक्रॉस द वॉप। व्हाट डू यू कॉल वेफ्ट इन यूर मदर टंग? तो मदर टंग में हम वॉप को बोलेंगे कपड़ा, तो वेफ्ट को बोलेंगे ताने बाने बुनना। उसके बाद है बच्चों बॉबिन, ए स्मॉल राउंड और ट्यूब शेप्ड ऑब्जेक्ट्स अराउंड विच थ्रेड इज पुट ऑफन बिफोर पुटिंग इट इन सीविंग मशीन और लूम। तो इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड फिर्क इन कश्मीर, कश्मीरी, कश्मीरी में इसको क्या बोलते हैं? फिर्क। तो फिर है रेयर, नॉट कॉमन एंड देयर फॉर समटाइम्स वैल्यूएबल। फिर हो गया क्रेज, फैशन यानी कि पॉपुलर। फिर हो गया ट्राउजिया, ट्राउजिया हो गया बच्चों ए ब्राइड्स कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स फॉर हर वेडिंग। तो उसके बाद है वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो आंसर के क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द तालीम, हु राइट्स इट्स? बोलते हैं आप तालीम से क्या अंडरस्टैंड करते हो और ये किसने लिखा? तो इसका आंसर है शॉल साइन इज एक्चुअली शॉल्स अल्फाबेट, इट इज लाइक ए ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज केप्ट बाय वीवर्स व्हाइल वीविंग शॉल्स, दिस ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड द तालीम, इट इज तालीम एक्सपर्ट्स हु राइट्स इट। फिर उसके बाद है हाउ इज पश्मीना ऑब्टेन्ड, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ वूल। तो पश्मीना बोलते हैं, पश्मीना कहाँ से आता है और ये क्यों दूसरे वूल से अलग होता है? द एंटीलोप्स एंड वाइल्ड गोट्स एट हाई अल्टीट्यूड ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया ग्रो सॉफ्ट हेयर इन स्प्रिंग, दे शेडर हेयर व्हेन दे रब अगेंस्ट बुश्स और रॉक, दिस इज कॉल्ड पश्मीना वूल एंड इट इज फाइन एंड सॉफ्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द यूरोपियंस कम टू नो अबाउट द कश्मीरी शॉल? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कश्मीर 1664 वाज फ्रांसिस बर्नियर, ही रोट अबाउट द सॉफ्टनेस ऑफ द लोकल शॉल्स, इन दिस वे पीपल केम टू नो अबाउट द कश्मीरी शॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द डिजाइनर ऑफ द कश्मीरी शॉल्स? क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द अदर नेम फॉर द डिजाइनर ऑफ द कश्मीरी शॉल? तो इसका क्या आंसर लिखेंगे? द अदर नेम ऑफ द पर्सन हु डेकोरेट्स द पैटर्न ऑफ द शॉल इज नकाश। फिर बोलेंगे द अदर नेम ऑफ द पर्सन हु डेकोरेट्स द पैटर्न ऑफ द शॉल इज नकाश। फिर उसके बाद बच्चों क्वेश्चन है, हु ब्रॉट द शॉल टू कश्मीर, हाउ डू यू नो? तो फिर इसका आंसर हम लिखेंगे, इट वॉज सुल्तान जैनुल अब्दीन हु ब्रॉट शॉल इंडस्ट्री टू कश्मीर, दिस किंग कॉल्ड ए हाईली स्किल्ड वीवर नग्ज बेग फ्रॉम तुर्किस्तान टू बिल्ड ए लूम फॉर वीविंग शॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हाउ इज द कश्मीरी शॉल डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन वन? कश्मीरी शॉल कैसे अलग थी उससे? A European prepared shawls by weaving different pieces. The pieces were then sewn to change these into a single piece. They trimmed their shawls and this spoiled the beauty of the shawl. This was the difference. फिर उसके बाद क्वेश्चन है, why are shawls so popular? तो शॉल इतनी पॉपुलर क्यों है? तो इसका हम लिखेंगे, शॉल्स गेन्ड पॉपुलरिटी इन यूरोप व्हेन नेपोलियन प्रेजेंटेड ए शॉल टू जोसफाइन हु वाज द एम्प्रेस, द वुमेन पर्टिकुलरली द फ्रेंच गॉट क्रेजी, लेटर ब्रिटिश टर्नर टू मैन्युफैक्चर देयर ओन शॉल्स, डिमांड फॉर शॉल्स फ्रॉम इंग्लैंड आल्सो इंक्रीज्ड, द कश्मीरीज यूज शॉल बोथ फॉर एलिगेंस एंड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन। अब इसके बाद है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स इन द बॉक्स। तो यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों?
नगर बेग विजिटेड कश्मीर इन 1836। तो इसका पहले का क्या आएगा? फॉल्स। नग्स बेग विजिटेड कश्मीर इन 1836। जोसफाइन गॉट ए कश्मीरी शॉल फ्रॉम अकबर, ये भी फॉल्स। पश्मीना वूल इज टेकन फ्रॉम ए गोट, फॉल्स। फिर उसके बाद यूरोपियंस कुड नॉट कॉपी द कश्मीरी शॉल, ये हो गया ट्रू। द कश्मीरी शॉल इज मेड इन यूरोप, हो गया फॉल्स, क्योंकि कश्मीरी शॉल जो है वो कश्मीर में बनाई जाती है। हुगल विजिटेड कश्मीर मोर देन ए सेंचुरी आफ्टर बर्नियर, तो ये हो गया ट्रू। फिर उसके बाद अ यूरोपियन वुमेन प्रेफर्ड द कश्मीरी शॉल टू देयर ओन, तो ये भी है ट्रू। तो ये था बच्चों इसका ये। अब इसके बाद है लैंग्वेज वर्क, तो इसको मैं एक बार फिर आपको बताऊंगी ट्रू फॉल्स। नग्स बेग विजिटेड कश्मीर इन 1836, हो गया फॉल्स। जोसफाइन गॉट ए कश्मीरी शॉल फॉर अकबर, इसको लिखना टी। पश्मीना वूल इज टेकन फ्रॉम ए गोट, इसको लिखना एफ, यानी कि फॉल्स। यूरोपियंस कुड नॉट कॉपी द कश्मीरी शॉल, इसको क्या लिखोगे आप? ट्रू। द कश्मीरी शॉल इज मेड इन यूरोप, इसको लिखोगे फॉल्स। हुगल विजिटेड कश्मीर मोर देन ए सेंचुरी आफ्टर बर्नियर, हो गया ट्रू। ए यूरोपियन वुमेन प्रेफर्ड द कश्मीरी शॉल टू देयर ओन, तो हो गया ट्रू, क्योंकि जो यूरोपियन वुमेन थी वो कश्मीरी शॉल को ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि जो ये थे यूरोपियन थे, जब ये शॉल बनाते थे तो शॉल को टुकड़ों में बनाते थे, मतलब कि पीसेस करके बनाते थे, और फिर बाद में वो पीसेस को वो आपस में जोड़ते थे मशीन के थ्रू, हाथ के थ्रू वो उसको सीकर उसको मशीन मतलब कि फिर इसको एक शाल बनाते थे पीसेस जोड़ के। लेकिन जो ये कश्मीरी शाल थी, ये कश्मीरी शाल जो थी, ये लोग एक ही शाल बनाते थे, एक ही पीस बनाते थे, और उस पे फिर वो एम्ब्रॉयडरी का या मतलब कोई भी और काम कोई वर्क करते थे, जिससे कि उस शाल की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इसी वजह से ये जो यूरोपियन वुमेन थी, ये कश्मीरी शाल को ज्यादा प्रेफर करते थे। तो उसके बाद है बच्चों लैंग्वेज वर्क। तो नेक्स्ट क्लास में हम अब इसका करेंगे लैंग्वेज वर्क। तो आज के लिए इतना, आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पे लिख लेना। थैंक यू।